स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये टॉपिक है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी एंड यूपीएलटी ग्रेड एंड एमपी टेट, सभी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी सीरीज स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टॉपिक को वन बाय वन कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, सर आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष गति के नियमों को प्रतिपादित किया? तो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गति के तीन नियमों, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम यानी त्वरण का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रतिपादित किया। गति के तीनों नियमों को समझने के लिए आप उस वीडियो को किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां पे देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जोड़ों से संबंधित गतिविधियां हैं। इसमें है प्रोनेशन, सुपाइनेशन, इनवर्सन, इवर्सन। प्रोनेशन क्या है? हमारे हथेली का जमीन की तरफ फेस करना, यानी कि पेट के बल लेटने को हम प्रोनेशन कहते हैं। और सुपाइनेशन जो उसमें हमारे हाथ की हथेली आसमान को फेस करती है, आसमान की तरफ रहती है और हम पीठ की तरफ लेटते हैं। इनवर्सन यानी पैर की उंगली का अंदर की तरफ मोड़ना, इवर्सन यानी बाहर की तरफ मोड़ना, ये जोड़ों से संबंधित गतियां हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। तो मूलभूत संधियां जो हमारा है वह है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन तथा रोटेशनल एंड सर्कमडक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है? अपने हाथ को ऊपर की तरफ मोड़ना ही फ्लेक्शन होता है, यानी कोण का कम होना। एक्सटेंशन, हाथ को फैलाना। एबडक्शन, अपने हाथ को उठा करके शरीर के दूर ले जाना, यानी हाथ को कंधे के लेवल उठाना। और एडक्शन, शरीर की तरफ हाथ को लाना एबडक्शन के बाद। और रोटेशनल मतलब रोटेट क्रिया करना, घुमाना। तो रोटेशनल क्रिया में मुख्य रूप से कंधे को देखा जाता है। दोस्तों इस बार केवीएस में एग्जाम आया था, ये क्वेश्चन आया था कि रोटेशन किसमें होता है। तो उसमें कंधा भी दिया था, हिप भी दिया था एंड गर्दन भी दिया था। तो रोटेशनल में आपका हो जाएगा कंधा मुख्य रूप से। नेक्स्ट है, खेलों में क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक इत्यादि के उपयोग के समय शरीर से संबंधित उपयुक्त गति होना अनिवार्य है। तो ये बात 100% राइट है, इन सभी में उपयुक्त गति होना अनिवार्य है। कि किस को कितने कोण पर फेंका जाए, कितने एंगल पर रखा जाए, ये आपके किनेसियोलॉजी से पता चलता है, गति विज्ञान से। नेक्स्ट है, गति विज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो गति विज्ञान का केंद्र बिंदु मानव जैव यांत्रिकी विज्ञान को माना जाता है। कि मानव जो उपकरण का प्रयोग कर रहा है, कहां पे, कितने एंगल पे, किस तरीके से, कितना कोण पे करे, ये आपका मानव जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो इसका केंद्र बिंदु है मानव जैव यांत्रिकी विज्ञान। नेक्स्ट है, गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न होने का अध्ययन किया जाता है। तो यह बल गतिकी में, किसमें, गति का अध्ययन तो किनेसियोलॉजी में किया जाता है, गति विज्ञान में। लेकिन गति के अध्ययन के साथ साथ गति उत्पन्न कैसे होगी, इसका अध्ययन किया जाता है बल गतिकी में। नेक्स्ट, मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मानव शरीर में तीन प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां। ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, जिसमें आपका ऐच्छिक, जिसको कंकाली पेशियां भी बोलते हैं, जो टेंडन द्वारा हड्डियों से जुड़ी रहती है,
और हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं, जैसे हाथ पैर की हड्डियां, जैसे कि ह्यूमरस, जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड टिबिया फिबुला, हेमस्ट्रिंग। टिबिया फिबुला हड्डी है दोस्तों, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हेमस्ट्रिंग, क्वाड्रिसेप्स एंड गैस्ट्रोनेमियस, ये सभी क्या है? ये ऐच्छिक पेशियां हैं। अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं? जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है, अक्सर हमारे आंतरिक अंगों, हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर आदि में पाई जाती है। हृदय पेशियां जैसे कि यह जीवन पर्यंत कार्य करती है और कभी थकती नहीं है, जिसमें हृदय पेशियों में तीन पेशियां पाई जाती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। नेक्स्ट है शरीर की गति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो शरीर की गति का अध्ययन करता है गति विज्ञान यानी किनेसियोलॉजी। नेक्स्ट है शरीर संरचना के विभिन्न अंगों के कार्य करने, खेलों में प्रभावी गति बनाए रखने एवं खिलाड़ियों के निष्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने में किसका महत्व होता है? तो यह होता है शारीरिक शिक्षा एवं खेलों गति विज्ञान के कार्य। ठीक है, शारीरिक शिक्षा और खेल गति विज्ञान में ये सभी क्रियाएं गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होती हैं। नेक्स्ट है खेल चिकित्सा शास्त्र, पारिस्थितिकी एवं उद्विकासवादी जीव विज्ञान के अध्ययन में उपयोगिता होती है। जो खेल चिकित्सा शास्त्र है, पारिस्थितिकी है, उद्विकासवादी जीव विज्ञान है, यह किसके अध्ययन में उपयोग होता है? तो यह खिलाड़ियों के गति उत्पन्न करने यानी खिलाड़ियों के गति विज्ञान से रिलेटेड अध्ययन करने में उपयोग होता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है बल का मात्रक, बल मात्रक है, बल किसका मात्रक है दोस्तों? न्यूटन। ठीक है, बल मात्रक किसका है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। एंड नेक्स्ट है सीजीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो सीजीएस का फुल फॉर्म है सेमी ग्राम सेकेंड, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है? डाइन, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है एमकेएस का पूरा नाम क्या है, एमकेएस का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। नेक्स्ट है एफपीएस का पूरा नाम क्या है, एफपीएस का पूरा नाम फुट पाउंड सेकेंड है। नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है एफपीएस में बल का मात्रक क्या है, जैसे कि एफपीएस का पूरा नाम है फुट पाउंड सेकेंड, तो एफपीएस में बल का मात्रक क्या है? पाउंडल है। क्या है? पाउंडल। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल एवं न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो यह बार्नौली की प्रमेय सिद्धांत के आधार पर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तु का नियम से चलते रहना यानी समान वेग से चलते रहना एवं वस्तु विराम अवस्था में है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि त्वरण जो है शून्य है, यानी त्वरण शून्य होने का यह प्रतीत होता है, संकेत है। नेक्स्ट है न्यूटन के किस नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग का नियम या त्वरण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन किसके प्रकार है, तो संतुलन के प्रकार है। किसके हैं? संतुलन। संतुलन तीन प्रकार के होते हैं, स्थायी, अस्थायी, उदासीन यानी स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है
कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचा होना एवं वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए, यह किसकी शर्तें हैं? यह शर्तें हैं जैव यांत्रिकी विज्ञान में स्थायी संतुलन की। नेक्स्ट है रस्सा कस्सी एवं सड़क पर कार का चलना है। तो रस्सा कस्सी एवं सड़क पर कार का चलना असंतुलित बल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है किसी भी शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के प्रशिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो कोई भी शारीरिक शिक्षक हो या खेलकूद का प्रशिक्षक हो तो उसको जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन अवश्य जानना चाहिए, उसको उसके बारे में अवश्य जानना चाहिए कि किसी भी चीज का किस एंगल पर किस तरीके से प्रयोग करना है उपकरण का और अपने अंगों का। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर लगा गुरुत्व बल किस दिशा में कार्य करता है? तो वह पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट है चक्रीय गति किस जोर से संबंधित है? तो चक्रीय गति कंधे एवं कुल्हे से संबंधित है। नेक्स्ट है हाथ को शरीर से दूर ले जाने को कहा जाता है, यह एडक्शन बोला जाता है। अब पास ले आने को एडक्शन, ये भी ध्यान में दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे बेहतरीन तैयारी के लिए। सभी टॉपिक्स आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा किए जाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।